हेलो एच, कैसे आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपने इंडियन ऑटो एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले KTM Duke 125 के बारे में। तो जैसा हम लोगों ने सोचा था कि एक KTM Duke ऐसी होगी, 390 के लुक में होगी, ये वो ड्यूअल चैनल ABS होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइक में बिल्कुल। मतलब KTM ने हद पार कर दी अपनी KTM Duke 125 को लॉन्च करके। KTM Duke 125 की जगह 150 कर गए थे तो भी शायद लोग ले सकते थे इसको, लेकिन इसने क्या किया कि ड्यूक 200 का तो इसमें लुक वैसा ही दिया है, बिल्कुल बॉडी वैसी है और बाकी वही है। इंजन 124 cc का है, पावर 14 bhp का है और टॉर्क वही 12 न्यूटन मीटर है। तो ये सब कुछ उसने वही दे दिए जो कि आपने पहले भी स्पेसिफिकेशन से आपने जान चुके होंगे, आप पहले भी है तो पता होगा आपको। तो बाकी सब कुछ इसमें फ्यूल टैंक भी छोटा मिलता है आपको, 10.2 लीटर का ओनली, जिससे आप लॉन्ग राइड में दिक्कत आ सकती है आपको। तो और इसमें वेट वगैरह तो वही 148 kg का वेट है इसमें और माइलेज बाइक देगी आपको 35 की। तो यार 125 cc का इंजन होके 35 की माइलेज देगा, कौन लेगा यार इसको, कोई नहीं लेने वाला। तो 40 की तो मिनिमम होनी थी इसकी माइलेज, क्योंकि 35 की तो यही दे देती है अपनी पल्सर वगैरह ही, जिनमें कि 150-160 का इंजन है वही दे सकती है इसने 35-40 की, तो वही देती है इजीली, मिनिमम देती है इतनी। तो और ये तो कंपनी वालों ने बोला कि 35 की, ये बोल रहे अपनी तरफ से, तो ये कहीं देगी 30 की माइलेज देगी कहीं से। तो बाकी तो बाइक माइलेज टेस्ट होगा तभी पता लगेगा। तो बाइक में ब्रेक्स की सबसे बड़ी बात है, ब्रेक्स की वो बोल रहे थे कि ड्यूअल चैनल ABS, पहले जो बताया जा रहा था कि ड्यूअल चैनल ABS, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऐसा ही है, वहाँ पे तो ड्यूअल चैनल ABS है, लेकिन हमारे यहाँ पे आई उसमें सिंगल चैनल ABS है। क्या सिंगल चैनल ABS में शायद ही कोई लेगा इसको, क्योंकि ड्यूअल चैनल तो होना ही चाहिए था इसमें बाइक में। बाइक लॉन्च कर दी गई इंडिया में, जल्दी मार्केट में भी आ जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में भी, क्योंकि ये दिल्ली में भी आ चुकी है और कोलकाता वगैरह, मुंबई वगैरह काफ़ी जगहों पे मतलब आ चुकी है ये। तो मार्केट में जल्दी इसकी बुकिंग वगैरह तो पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी जल्दी ग्राहकों को मिल जाएगी और मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी आराम। तो जैसे ही यदि हमारे पास कोई लेके आता है बाइक, तो हम ज़रूर उसका माइलेज टेस्ट वगैरह सब कुछ करेंगे। तो बाइक में सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है WP सस्पेंशन मिलता है, जो कि अपसाइड डाउन है, और रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक मिलता है वही पुराना वाला। तो स्पीडोमीटर बाइक में वही होने वाला है ड्यूक 200 जैसा ही, डिजिटल है, सब कुछ आपको बताएगा, ABS लाइट भी बताएगा सब कुछ, इंडिकेटर लाइट, क्लॉक वगैरह, मतलब जितने भी होते हैं इनके फंक्शन वो सब कुछ बताएगा। बस यही बताना था आज की वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो मैं अच्छे से नहीं बता पाया। यही है सब कुछ, KTM Duke 125 कोई धमाल नहीं करने वाली है, बाकी देखा जाएगा आगे कितनी क्या सेलिंग वगैरह होती है इसकी, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।